हाय गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक, जिसके प्रथम शासक यानी कि फर्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके आखिरी और लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी। ठीक, तो फर्स्ट लास्ट। तो अब दिल्ली सल्तनत पे बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत पे जिन लोगों ने रूल किया वो थे मुस्लिम्स, ठीक है, यानी कि दे वर द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम्स। अब इस्लाम इंडिया में कैसे आया? जब इस्लाम इंडिया में आया होगा तभी तो इसके रूलर्स आए होंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस्लाम एक्चुअली में कब आया, वर्ल्ड में कब आया, एग्जिस्ट कब किया। तो हम उसके लिए चलते हैं इस मैप पे, इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सी, ये हमारा इंडिया, ठीक, ये पाकिस्तान, राइट, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ठीक, और ये अफगानिस्तान, ठीक, और इधर ये जितना एरिया है यहाँ पे इजिप्ट वगैरह से लेके पूरा अरेबियन वर्ल्ड है, ठीक है, ये पूरा क्या है, अरेबियन वर्ल्ड, राइट, दिखा, ये पूरा अरेबियन वर्ल्ड है। तो यहीं कहीं पे है मक्का और मदीना, सही है, तो मक्का और मदीना अब समझ गए। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले जो इस्लाम आया वो इस रीजन में आया यानी कि अरब रीजन में आया, ठीक, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे कहाँ गया, इंडिया में आया। अब कैसे आया, कब आया, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले 570 AD, 570 AD पे, 570 AD पे क्या, तो प्रॉफिट मोहम्मद का बॉर्न होता है 570 AD पे, कहाँ पे होता है, बॉर्न इन मक्का, जो अभी मैंने पीछे मैप पे दिखाया था ना, वहां पे इनका जन्म होता है। और यही जो है इस्लाम धर्म के फाउंडर माने जाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा स्टोरी बताऊँ ना, कैसे इस्लाम धर्म को फाउंड करते हैं। 570 AD में इनका बॉर्न तो हो जाता है, फिर अब क्या करते हैं, एक दिन क्या होता है, एक हीरा नाम की केव होती है यहाँ पे, हीरा केव होती है इसी अरेबियन एरिया पे, ठीक है, मक्का वाली एरिया पे जहाँ पे इनका बर्न होता, इनका बॉर्न होता है। और ये कौन से ट्राइब में बॉर्न करते हैं, ये करते हैं कुरेश, कुरेशी लोग होते हैं ये, कुरेशी लोग, कुरेश ट्राइब, ठीक, कुरेश ट्राइब। तो हीरा केव में एक बार क्या होता है, इनको दर्शन देते हैं अल्लाह, अल्लाह इनको दर्शन देते हैं, और उस दर्शन में वो इनको कुछ बातें बताते हैं, और जो भी वो बातें बताते हैं वो सारी एक बुक में पूरा उसका मेंशन है। और वो बुक कौन सी है, कुरान, ठीक है। अब ये कुरान का कंपाइलेशन कब हुआ, कब ये रची गई, इसका भी ऐसा कुछ आज तक ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बोलते हैं कि जब ये मक्का टू मदीना गए थे, कौन, प्रॉफिट मोहम्मद मक्का टू मदीना गए थे, ये कब गए थे, ये गए थे 622 AD में, ठीक। तो इस प्रोसेस को, मक्का टू मदीना को जाने को बोलते हैं हिज्र, और यहीं से जो है इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, इस्लामिक कैलेंडर, ठीक। तो मैं कह रहा था कि हीरा केव में इनको एक अल्लाह दर्शन देते हैं और कुछ बातें बताते हैं जिनको एक कुरान में कंपोज करते हैं। और ये माना जाता है कि जब ये मक्का टू मदीना जाते हैं 622 AD में, और फिर 622 AD से लेके 630 AD तक ये यही मदीना में रहते हैं, ठीक है। और इस पीरियड में ये क्या करते हैं, कुरान को कंपोज करते हैं, कंपोज कुरान, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है, माना जाता है, जस्ट एजम्पशन है, कंपोज कुरान, ठीक है। और मैंने आपको बताना भूल गया, इनके फादर का नाम अब्दुल्ला, इनकी मदर का नाम अदीना, और इनकी वाइफ का नाम खदीजा। अभी जो खदीजा है वो एक रिच विडो है, रिच विडो थी उस टाइम की, ठीक है, विडो मतलब विधवा, रिच विडो। तो इन्होंने कंपोज की कुरान को इस टाइम पे, ठीक है। और बहुत सारे ये मानते हैं कि जो कुरान का कंपोजिशन हुआ है वो 622 AD से पहले हुआ है, राइट। सो ये है, उसके बाद 630 AD में, अब ये तो ठीक है, अब ये गए क्यों होंगे, मक्का टू मदीना क्यों गए। एक्चुअली हुआ ये कि
ये जो इनको हीरा केव में जो इनको अल्लाह ने दर्शन दिए थे उसके अकॉर्डिंग अल्लाह ने इन्हें बोला कि इस्लाम धर्म का तुम क्या हो, मेरे प्रॉफिट हो, तुम मेरे क्या हो, प्रॉफिट हो और मैसेंजर हो, ठीक है, और तुम्हें ये बात जो है सारी पब्लिक तक पहुंचानी है, मैसेंजर हो, ठीक है, तो ये बात तुम्हारी पब्लिक तक पहुंचानी है, डायरेक्टली तुम एक मेरे अवतार टाइप के हो, ठीक है। तो अब ये लोगों को बताते हैं जा जाके मक्का में कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है, ठीक है, अल्लाह ने मुझे ये बोला, अल्लाह ने मुझे वो बोला। तो कुछ लोग इनकी बात मानते हैं, कुछ लोग इनकी बात नहीं मानते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग जो अल्लाह इन्हें बताते हैं कि इनके अकॉर्डिंग क्या है, भगवान एक है और भगवान को पूजने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, यानी कि नो आइडल रिक्वायर्ड, यानी कि कोई मूर्ति वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करते हैं, आइडल वर्शिपिंग को प्रोहिबिटेड करते हैं, आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट करते हैं, यानी कि मूर्ति पूजन को ये बंद कर देते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ से जो इनके कुरेशी लोग हैं, कुरेशी लोग जहाँ पे इनका जन्म होता है, ये लोग इस चीज़ से बड़ा चिढ़ते हैं, क्योंकि कुरेशी ट्राइब में ऐसा है, मूर्ति पूजा तो होती है, तो अब ये कर देते हैं मना, तो इससे हो जाती है प्रॉब्लम क्रिएट। अब जब प्रॉब्लम हो जाती है क्रिएट, तो यहाँ मक्का वाले लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं और इनको क्या करते हैं, भगा देते हैं। कहाँ भगा देते हैं, मदीना भगा देते हैं, कौन सी ईस्वी में, 622 AD में। अब ये 622 AD में जाते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे वही अपनी बातें बताते हैं, लोग उनके फॉलोअर्स बनते रहते हैं, धीरे धीरे एक स्ट्रांग आर्मी क्रिएट करते हैं, और स्ट्रांग आर्मी क्रिएट करके लास्ट में 630 AD में जब इनके बहुत सारे फॉलोअर्स मदीना में हो जाते हैं, ये वापस क्या करते हैं, मदीना से मक्का आते हैं 630 में, मदीना टू मक्का, ठीक है, मदीना टू मैक्का, मदीना टू मैक्का आते हैं, और मदीना टू मैक्का आके ये क्या करते हैं, सबसे पहले बैटल यानी कि लड़ाई करते हैं उन लोगों से, बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ बदर किन लोगों से करते हैं, वही लोग जिन्होंने मक्का में, मक्का वाले लोग जिन्होंने इन्हें, मैक्का वाले लोग जिन्होंने इन्हें यहां से भगाया था, मक्का से मदीना की तरफ भगाया था, तो उनसे बैटल ऑफ बदर करते हैं और जीत जाते हैं। कौन जीतते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक, धीरे धीरे टाइमलाइन देखना, प्रॉफिट मोहम्मद जीत जाते हैं। और अब क्या होता है कि ये जब पूरा जो एंटायर ये अरेबियन वर्ल्ड है ना, इसमें जो है मक्का एज वेल एज मदीना और पूरा ये एंटायर अरब वर्ल्ड, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है इस्लाम रिलीजन जो है फैल जाता है। अब देखिए इंडिया इधर है, ये अरब वर्ल्ड इधर है, अभी तक ये इंडिया में नहीं आया, अब इंडिया में कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक। तो ये हो गया, अब मैंने बोला था 630 AD में सारा सब कुछ, हर जगह हर कोई इनको पूजने लग जाता है, पूरे अरब लोग इनको मानने लग जाते हैं, यस ही इज द प्रॉफिट एंड मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, जिसको हम दूसरा बोलते हैं रबी एंड नसूल, रबी एंड रसूल, नबी एंड रसूल, नबी एंड रसूल वही चीज है ये, नबी एंड रसूल यानी कि प्रॉफिट एंड मैसेंजर, प्रॉफिट एंड मैसेंजर, ठीक। तो इसी चीज को बोलते हैं नबी और रसूल, क्या है, प्रॉफिट और मैसेंजर, सब लोग मानने लग जाते हैं। सो अब 632 AD में इनकी डेथ हो जाती है, 632 AD में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है, ठीक। उसके बाद 632 में डेथ हो जाती है, तो इनकी डेथ के बाद जितने भी इनके फॉलोअर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैलिफेट, ठीक है, कैलिफेट या फिर खलीफा, खलीफा खलीफा, ठीक है, वही वाला खलीफा, सही है, कैलिफेट खलीफा। तो अब ये खलीफा भी कितने ग्रुप्स में बटे रहते हैं, जैसे कि खलीफा होते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि खलीफ इनके फॉलोवर्स क्या कहलाते हैं, खलीफा, और खलीफा जो है बहुत सारे ग्रुप में बटे रहते हैं, जैसे उमायद, पैतरालकर और अबासिड, ठीक है, इनको खलीफा बोलते हैं, उमायद खलीफा, पैतरालकर खलीफा और अबासिड खलीफा। अब जो उमायद खलीफा का टाइम पीरियड होता है 661 से लेकर 750 AD तक, ईस्वी तक ये रूल करते हैं, और जो पेट्रालकर खलीफा हैं, ये इनका ऐसा कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, और जो अबासिड खलीफेट हैं उनका 750 AD से 1258 AD तक ये लोग रूल करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या होता है कि ये जो इस्लाम रिलीजन है वो इंडिया में कैसे आता है, तो होता ये है कि अब हमें यहाँ दिख रहा है ये श्रीलंका है, श्रीलंका का राजा होता है सेलोन का, इसे सीलोन बोलते हैं, तो ये क्या करता है, एक शिप भेजते हैं, शिप कहाँ भेजते हैं, ये भेजते हैं इधर 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 इधर, इधर जो वर्ल्ड है इराक में भेजते हैं, इराक में, और इराक का उस समय गवर्नर होता है अल हिजाज, ठीक है, अल हिजाज, ठीक है, अल हिजाज होता है,
ठीक है। तो जब ये शिप भेजते हैं यहां से लेके, जो यहाँ का राजा होता है सिलोन का, यहाँ पे एक शिप भेजता है इराक के गवर्नर को अल हिजाज, जो जिसका नाम होता है, उसकी तरफ भेजता है। बट रास्ते में ये जो एरिया है यहाँ पे, जो इंदस रिवर है ना, यहाँ पे एक देबाल करके पोर्ट है, देबाल करके पोर्ट है, ठीक है, देबाल करके। तो यहाँ पे जो है, और इस एरिया का उस समय हिंदू शाही डायनेस्टी होती है, यहाँ का जो राजा होता है, ये वो राजा होता है, इसका नाम होता है दाहिर, किंग दाहिर, ठीक है। तो ये जो किंग दाहिर होता है, ये जो दाहिर होता है ना, तो ये यहाँ का पूरा इसका अंडर रूल होता है। तो ये जो कुछ क्या करते हैं, जो शिप आ रहा होता है यहाँ से, तो इसको इस एरिया पे क्या करते हैं, इस एरिया पे यहाँ पे कुछ सी पायरेट्स होते हैं ना, सी पायरेट्स, ठीक है, सी पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे, इस जहाज को क्या करते हैं, लूट लेते हैं। अब लूट लेते हैं और ये जो शिप है, जाना होता है इराक अल हजाज के पास, गवर्नर के पास, बट फाइनली ये पहुंच नहीं पाता। तो इससे होता क्या है कि इसने तो अपना यहां से भेज दिया, बट इसके पास पहुंचा नहीं, तो अल हजाज को ये बात पता चलती। तो अल हजाज क्या करता है, जो किंग दाहिर है यहाँ का राजा है, इससे कंपनसेशन मांगता है, बोलता है कि तुम्हारी एरिया में मुझे लूट लिया, तुम्हारे होते हुए ऐसा काम हो गया और तुम क्या कर रहे थे। तो दाहिर ने बोला कि नहीं, इसमें मेरा कोई इश्यू नहीं है, कि मैं तो भाई अपने रूल को चला ही रहा हूँ, अपने किंगडम में रूल कर ही रहा हूँ, अब इसमें कुछ भी कोई कुछ लूट ले रहा है तो उसमें मेरा क्या इश्यू है, इसलिए मैं तुम्हें कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो साफ 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 तरीके से सीधे शब्दों में मना कर देता है। जब सीधे शब्दों में मना करता है तो ये बात खलती है अलीजाज को, अलीजाज क्या करता है, अटैक करना शुरू कर देता है इसके किंगडम पे। अब अलीजाज होता है यहाँ इराक का, तो ये धीरे धीरे अटैक करता है दाहिर पे। तो ये पहला अटैम्प्ट मारता है, फेल हो जाता है, दूसरा अटैम्प्ट मारता है, वो भी फेल हो जाता है। अब तीसरा अटैम्प्ट ये कौन से ईयर में मारता है, ये 712 AD में, ठीक है, जो इसका सन इन लॉ है ना, सन इन लॉ अलीजाज का सन इन लॉ कौन है, द वेरी फेमस, इसको हम फर्स्ट इन्वेटर बोलते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, ये इसका सन इन लॉ भी होता है। और इसकी एक, ये बेसिकली जो अलीजाज है, कौन से खलीफा का, कौन से ग्रुप का होता है, ये होता है उमायद, मैंने आपको पीछे बताया था ना, तो ये होता है उमायद खलीफा का गवर्नर होता है, ठीक है, अलहजाज। और इसका एक सिपाही भी होता है, और साथ में क्या होता है, इसका जनरल भी होता है, और वो इसका सन इन लॉ भी होता है, वो होता है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जाता है इसके कहने पे, और इसका थर्ड अटैम्प्ट होता है, किसका, अलहजाज का, ये थर्ड टाइम भेजता है मोहम्मद बिन कासिम को। तो ये क्या करता है, जो दाहिर है इसकी एरिया में अटैक करता है, ठीक है, इसके एरिया में अटैक करता है और इस एरिया को जीत लेता है, ठीक। तो ये एक बेसिक स्टोरी होती है इसको लूटने की। सो मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुल हो जाता है, और फिर कुछ ही टाइम में ये क्या करता है, इसका जो किंग दाहिर होता है ना, किंग दाहिर, इसका दाहिर का जो बेटा होता है, और वो कौन सी एरिया में रूल करता है, एक ब्राह्मणाबाद करके, ब्राह्मणाबाद, ब्राह्मणा बात करके एक एरिया होती है, ठीक है। तो जिसका बेटा होता है, किसका बेटा होता है, ये किंग दाहिर है, इसका बेटा होता है जय सिंह, कौन होता है, जय सिंह, जय सिंह किंग दाहिर का बेटा होता है, जिसको मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में हरा देता है, यानी कि इस, ये देबल पोर्ट ऑक्यूपाई कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसी का बेटा होता है, किंग दाहिर का बेटा होता है कौन, जय सिंह होता है। और जय सिंह जो है कौन सी एरिया में रूल करता है, ब्राह्मणाबाद, ब्राह्मणाबाद भी इसी कहीं एरिया पे आता है, तो इस एरिया पे रूल करता है और इसको भी ऑक्यूपाई कर लेता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस हिसाब से, इस नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम ये पूरी सिंध एरिया को क्या है, ऑक्यूपाई कर लेता है, यहाँ पे कब्जा कर लेता है अपना, मतलब क्या करता है, यहाँ से लूट पूट लेंगे, फर्स्ट टाइम इन्वेट कर लेता है, यानी कि इंडिया के अंदर घुस जाता है। उस समय का इंडिया है ना, उस समय का इंडिया पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान सारा इंक्लूडेड है, ठीक है, तो उस समय का इंडिया तो ये इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो एक तरफ से इंडिया में इन्वेजन हो जाता है। और इसका जो मेन मोटो होता है ना, किसका, ये मोहम्मद बिन कासिम का, क्योंकि ये एक किसका प्रचारक होता है, इस्लाम का प्रचारक होता है, ही इज अ फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये भी प्रॉफिट मोहम्मद को मानता है। तो इसका भी मेन काम क्या होता है, ये इस्लाम का जो धर्म है उसको फैलाना, तो ये भी स्प्रेड करता है धीरे धीरे इस्लाम को। और अब मैं आपको बताता हूँ इस्लाम की बेसिक बातें क्या हैं, इस्लाम की जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं। इस्लाम बोलता है कि जो भी बंदा इस्लाम को फॉलो करेगा वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि उसको ये मानना होगा कि अल्लाह इज वन, यानी कि भगवान एक है, और जो मोहम्मद प्रॉफिट है वो उनके, वो है मैसेंजर है, ठीक है, वो उनके प्रॉफिट हैं। और एवरी फॉलोअर ऑफ इस्लाम इज रिक्वायर्ड टू ऑफर प्रे 5 times a day, यानी कि जितने भी फॉलोअर्स हैं इस्लाम के उनको एक दिन में 5 बार प्रेयर करनी ही करनी है, ठीक है। और
जितने भी फॉलोअर्स हैं इस्लाम धर्म को, जितने भी मानते हैं, उनको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ टाइम में एक बार मक्का, जो कि होली प्लेस है, इस्लामिक होली प्लेस है, अपनी एक बार लाइफ टाइम में जरूर जाना है। ठीक है, और एक बात और, एक प्रिंसिपल और है इसका कि जब रमजान का महीना होता है तो उसमें इनको फास्ट रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान ही हैड टू कीप द फास्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, ही हैड टू पे जाकत, जो भी बंदा इस्लाम को फॉलो कर रहा है उसको जाकत पे करना है, पुअर्स को। जाकत मीन्स गरीबों को दान। अब वो दान चाहे कैसा ही हो, अन्न के रूप में हो, कोई मनी के रूप में हो, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट हो, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, कुछ भी हो, मतलब एक सपोर्ट होता है गरीब लोगों को, खाना रोटी वोटी, ठीक है, राशन अन्न वगैरह कुछ भी, रहने के लिए कपड़े वगैरह, ठीक है, रहने के लिए मतलब कुछ भी ऐसी उनकी, जो जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी सी पहले से जो बदतर जिंदगी थोड़ी सी ईजी हो जाए, तो वो उसे बोलते हैं जाकत। ठीक है, और एक महा एक मेन बात इसमें कि वर्शिप आइडल जो है नहीं होनी चाहिए, यानी कि वर्शिप आइडल बैन, यानी कि नो वर्शिपिंग ऑफ आइडल, यानी कि मूर्तियों की कोई पूजन नहीं होगी। और एक खास बात मैं ये बताता हूं कि जो ये जो है ना, कौन, प्रॉफिट मोहम्मद की मैं बात कर रहा था, तो प्रॉफिट मोहम्मद जब ये मक्का मदीना से जब मक्का वापस आते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे 300 मूर्तियां होती हैं, कितनी 300 मूर्तियां होती हैं, इन 300 मूर्तियों को तुड़वा देते हैं, अपनी आर्मी के संग आते हैं ना जो मदीना से लेके आते हैं, उनको तुड़वा देते हैं। तो ये होता है बेसिकली कि आइडल वर्शिपिंग को ये क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, तो 300 आइडल्स ही ब्रोक कर देते हैं। ठीक है, काबा में रखी होती है, कहाँ रखी होती है, काबा में, काबा जो है होली प्लेसेस है ना, होली प्लेस है इनका, तो काबा में जो 300 मूर्तियां उनको तुड़वा देते हैं। तो ये सख्त खिलाफ होते हैं किसके, मूर्ति पूजन के। तो इस्लाम भी यही बोलता है कि देयर इज नो, देयर शुड बी नो वर्शिप ऑफ आइडल्स। ठीक है, और एक इस्लाम धर्म की एक अच्छी बात यह है कि सारे लोगों को इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट देता है, सारे लोग एक समान होते हैं इस्लाम धर्म में, कोई किसी को, कोई ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। ठीक है, और जो इनकी होली बुक है कुरान, उसको जो है एक अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है, उसको मानना है, उसको प्रॉपर रिगार्ड देना है। ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज अ गॉडली बुक, इट इज रिटन बाय द पीपल ऑफ गॉड, यानी दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, गॉडली बुक है, तो इसको अच्छे से रिगार्ड देना है, इसको इसकी इज्जत करनी है। ठीक है, इट इज अ होली, यानी कि पायस बुक है, यानी कि बहुत पवित्र बुक है। ठीक है, ये सब था इस्लाम रिलीजन के बारे में। अब इस्लाम रिलीजन कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया, इंडस रीजन में आया, अटैक किया। अब धीरे धीरे धीरे, ये तो अरब था, अरबी था ना, मोहम्मद बिन कासिम। अब धीरे कौन, अगला जो कॉन्सेप्ट, अगला जो बंदा आता है वो है महमूद गजनवी। ठीक, जो कि इंडिया में अटैक करता है 1000 से 1025 AD के बीच में। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है, टर्किश होता है। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ आपको। और दूसरा जो इन्वेडर होता है वो है बहुत फेमस मोहम्मद गौरी। ठीक, मोहम्मद गौरी, अब ये बेसिकली कब अटैक करता है इंडिया पे, ये करता है 1206 तक करता है, और कहां से कब तक करता है ये मैं आपको बता, ये 1175 यानी कि 1175 से 1206 के बीच में कौन आता है, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो अब इनके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन कासिम कैसे और कैसे आया, कब आया, सही है। तो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो इम्पोर्टेंट है महमूद गजनवी। ठीक है, और दूसरा कौन है इसके बाद आएगा, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बाद जो हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सीधा चलते हैं, तो अब हम चलते हैं महमूद गजनवी पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था महमूद गजनवी, उसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। ठीक है, फटाफट बात करते हैं, उसके बाद हम सीधा चलते हैं अपने दिल्ली सल्तनत पे। तो महमूद गजनवी जो है, अफगानिस्तान में गजनवीट एम्पायर हुआ करता था, तो वहां का एक रूलर था। ठीक है, अब इसके फादर थे सुबुक्तगीन। ठीक है, तो इसके फादर थे किसके, मोहम्मद गजनवी के। अब इसने इंडिया में रेड मारा। ठीक है, कहां, कौन से ईयर से, 1000 AD से 1025 AD तक। ठीक है, तो ये तो था महमूद गजनवी का इन्वेजन। ठीक है, और ये हर बार आता था इंडिया की इनॉर्मस वेल्थ को लूट के ले जाता था, और इसने सबसे बड़ी जो लूट मचाई थी वो थी सोमनाथ टेम्पल में। ठीक है,
अब चूंकि ये भी इस्लाम का फॉलो हो रहा था और इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है आइडल वर्शिपिंग यानी कि मूर्ति पूजन दैट इज प्रोहिबिटेड, तो ये क्या करता है जितने भी मंदिर वगैरह हैं उन सबको तोड़वा देता है इंडिया में आके, ठीक है, और उनसे जितना भी वेल्थ वगैरह है उन सबको लूट के ले जाता है, मूर्तियां वगैरह सब तोड़ ताड़ के ले जाता है और बहुत सारी जो है वेल्थ इकट्ठा कर लेता है। और फिर ये क्या करता है महमूद गजनवी क्या करता है, ये और इसके सोल्जर्स मिलके जितने भी इंडिया में लोग होते हैं उनको कंपेल करता है इस्लाम से, जितने भी हिंदू लोग होते हैं और जितने भी अदर रिलीजन के लोग होते हैं उनको कन्वर्ट करता है किसमें, इस्लाम में, ठीक है, एक फोर्सेबल एक फोर्स करता है उन लोगों को कि यू हैव टू कन्वर्ट, यू हैव टू टर्न इन टू इस्लामिक रिलीजन, ठीक है। तो ये सब था। उसके बाद फिर 1025 AD में इसकी जो है लास्ट रेड होती है सोमनाथ टेम्पल पे, जिसमें से निकल के आता है कौन, मोहम्मद गौरी, यानी कि गौरी होता है ना यहाँ घौर, तो ये होता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। मोहम्मद गौरी कहाँ होता है, घौर अम्पायर का, और घौर अम्पायर किसको रिप्लेस करता है, गजनवी अम्पायर का, गजनवी अम्पायर का कौन होता है, महमूद गजनवी, ठीक है। तो ये सब है। अब हम चलते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी जो है इसका जो टाइम पीरियड है ये करता है 1175 से लेके 1206 में, ठीक है। अब बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं, टर्किस होते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम अरबी था और ये होते हैं तुर्की लोग, तो ये होते हैं टर्किस, ठीक है। तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है पर्सियन, ठीक है। सो मोहम्मद गौरी जब यहाँ पे इंडिया पे आता है तो ये बेसिकली ये जो पहले वाले जितने भी आए थे इनका बेसिक काम क्या था, इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड करना और साथ ही साथ वहां की जितनी भी वेल्थ है उसको प्लंडर करना, लूटपाट मचाने आते थे। बट ये जो मोहम्मद गौरी था ये लूटपाट तो मचाता ही था, साथ में इसने क्या किया, इसने पॉलिटिकल पावर अपनी स्टैब्लिश कर दी, यानी कि इंडिया में जो है अपना एक एम्पायर सेटल कर दिया। अब मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं, मोहम्मद गौरी जो है इसके तीन सिपाही थे, तीन स्लेव्स हम बोलते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय दास प्रथा चलती थी, यानी कि आदमियों को बेचा जाता था, जो लोग स्लेव जो लोग गरीब हैं उनको बेचा जाता था, ठीक है, स्लेव बना के बेचा जाता था ताकि वो दूसरों के काम में आ सके। तो इनके तीन स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, एक था नासिरुद्दीन कुबाचा, दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक और तीसरा था ताजुद्दीन यालदूज, दूज। तो हमें चर्चा करनी है कुतुबुद्दीन ऐबक पे, ठीक है, और बाकी नासिरुद्दीन और ताजुद्दीन यालदूज जो हैं ये दोनों जो हैं इसके क्या हैं, इसके भी जनरल हैं, जैसे कि ये जनरल है मोहम्मद गौरी के, तीनों जनरल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्यों, क्योंकि मोहम्मद गौरी की बैटल होती पृथ्वीराज चौहान थर्ड से, ठीक है, जब वो इंडिया में आता है अटैक करने, पृथ्वीराज चौहान जब वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर घुस जाता है ना, यहाँ यहाँ पे घुस जाता है, कहाँ पे, यहाँ यहाँ पे घुस जाता है, ठीक है, इधर कहीं ये पंजाब एरिया है ना, तो पंजाब एरिया में जब ये घुस जाता है तो पंजाब एरिया में घुस के यहाँ पे होता है कौन, पंजाब एरिया में उस समय रूल कौन करता है, उस समय होता है पृथ्वीराज चौहान, अजमेर जो होता है वहां पे पृथ्वीराज चौहान थर्ड हिंदू रूलर होता है, राजपूत रूलर होता है, तो इसको रेजिस्ट करता है। तो उस हिसाब से 1191 में क्या होता है, ये जब जाता है अटैक करता है तो हार जाता है, कौन हार जाता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है, किससे हार जाता है, इससे हार जाता है। तो ये कौन सी बैटल, उसे बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक। और 1192 में फिर दोबारा जब ये मोहम्मद गौरी इससे दोबारा जब जाता है तो बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, दोबारा युद्ध करने जाता है, एक पहली बार तो बच जाता है फिर दोबारा फिर से तैयारी करके जाता है एक साल बाद और उस बार से जीत जाता है। तो ऐसा क्या खास था कुतुबुद्दीन ऐबक में, क्योंकि जब ये 1191 में मोहम्मद गौरी लड़ाई करता है इससे पृथ्वीराज चौहान से, तो इस समय मरते मरते बचता है और इसको कौन बचाता है, इसका जो उस समय सिपाही होता है, इसका जो एक तरफ से इसको बचाने वाला कौन होता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसके बहुत खास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी जान बचाता है, इसे जान बचा के ले जाता है। और जब ये 1206 में वापस जा रहा होता है तो कौन जा रहा होता है, मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी रास्ते में इसको कौन, खोकर्स मार देते हैं, खोकर्स मतलब लुटेरे वहां के, ठीक है, लोकल लुटेरे बोलते हैं, खोकर्स इसकी हत्या कर देते हैं 1206 में। और जाने से पहले ये क्या करता है, अपना जो हिंदुस्तान वाला जो एरिया है, ये वाला जितना भी एरिया इसका पार्ट है यहाँ से, क्योंकि सारा इंक्लूड क्या होता है ना इसने इतना वाला, तो ये सब किसको सौंप देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, किसको सौंप देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और बाकी जो इसके दो ये हैं, दो अदर जो इसके जनरल हैं, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यालदू, और मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद क्या होता है, जो ये कहा गया, हाँ,
ताजुद्दीन यालदूज जो है, और जो ये है नासिर उद्दीन कुबाचा, ठीक है। तो जो ताजुद्दीन यालदूज है, ये तो जहाँ पे गजनी वाला है ना, जहाँ पे मोहम्मद गौरी पहले रूल करता था, वहाँ पे उस वाले एरिया में खुद रूल करने लगता है, ठीक है। और जो नासिरुद्दीन कुबाचा है, ये कौन से एरिया में रूल करता है, ये जो मुल्तान यानी कि जो सिंध वाला एरिया है उसको ये कब्जा लेता है, मुल्तान, ठीक है, यानी कि सिंध वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया ये कब्जा लेता है, कौन ये लेता है, नासिरुद्दीन कुबाचा। तो ये सब हो गया, नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध या मुल्तान वाला एरिया लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ कौन सा एरिया लग जाता है, हिंदुस्तान वाला एरिया, ठीक है। और जो ताजुद्दीन यालदूज जो है, अफगानिस्तान में जो गजनी वाला एम्पायर है वो वहां पे रूल करता है। तो ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पे मोहम्मद गौरी, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो शुरू हम करते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है, हम क्या करते हैं उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं। अब जो दिल्ली सल्तनत है इसका सबसे पहले हम टाइम देखेंगे 1206 से लेके 1526 तक, और 1526 के बाद कौन आ जाते हैं, मुगल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो 1206 में, अब देखिए दिल्ली सल्तनत में हमें कौन कौन सी डायनेस्टी देखनी है। सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, खिलजी डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तुगलक, सैयद और लोदी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक का हम मैं टाइम पीरियड डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1290, अब स्लेव डायनेस्टी में भी तमाम रूलर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो खिलजी डायनेस्टी होती है, खिलजी डायनेस्टी कब से 1290 से लेके 1320 तक इसका टाइम पीरियड है खिलजी डायनेस्टी का। फिर तुगलक डायनेस्टी की बात कर, और इसका टाइम पीरियड होता है 1320 से लेके 1412 तक, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी आती है, इसकी 1414 से लेके 1451 तक, और ये तो हम अच्छे से बता सकते हैं 1451 से लेके 1526 तक, कौन सी, लोदी डायनेस्टी। और लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन होते हैं, इब्राहिम लोदी, जो डिफीटेड हो जाते हैं किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। और फिर बाबर क्या करता है, अपना वो मुगल रूल एस्टेब्लिश कर लेता है और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब था एक क्विक रिकैप। तो हम सबसे पहले अब चलेंगे किसके, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। अब स्लेव डायनेस्टी को हम देखते हैं, स्लेव डायनेस्टी कौन फाउंड करता है, मोहम्मद गौरी का जो एक स्लेव होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसको फाउंड करता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम पीरियड होता है 1206 से लेके, ज्यादा साल नहीं रूल करता है, 4 साल या 3 साल मुश्किल से रूल करता है 1210 AD तक। और फिर क्या है, घोड़े में जब बैठता है, और पोलो एक गेम होता है, चौगान बोलते हैं जिसे, वो खेलते खेलते इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। ही इज डेड वाइल प्लेइंग चौगान, दैट इज पोलो, ठीक है, पोलो गेम टाइप का होता है एक गेम। उसमें इसकी डेथ हो जाती है घोड़े से गिर के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी सी मैं बात आपको बताता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में क्या था, एक इसको बेच दिया गया था, ठीक है, स्लेव रूल तो चलता ही था वहां पे, तो एक क्या था, स्लेव था, ठीक है। अब स्लेव था एक निशापुर करके मार्केट थी वहां पे, ठीक है, निशापुर मार्केट। तो उस पे एक बाबा थे, बाबा फरीद, तो उन्होंने क्या किया, इसको इस मार्केट से खरीद लिया, ठीक है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने खरीद लिया। और इनको क्या किया, इनको टीचिंग वगैरह दी, इनको पढ़ाया, अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए, इनको कैपेबल बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई, बाबा फरीद की डेथ हो गई, तो उनके बाद इन्होंने क्या किया, इनके जो बेटे थे वो बड़े नालायक निकम्मे चिढ़ते थे, जेलियस थे इससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से, इनको इनके संग सौतेला व्यवहार करते थे। तो उन्होंने बेच दिया कहीं दूसरी मार्केट में भेज दिया। और फिर उस मार्केट से एक बार मोहम्मद गौरी विजिट करने गए थे, तो उन्होंने देखा इसको, इनको अच्छा लगा, तो इन्होंने क्या किया, उसको यहां से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। तो ये था इनका एक रिकैप टाइप का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अब आता है अस्तित्व में, तो इसने बेसिकली क्या किया, इसने जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार या फिर मीनारेट बोलते हैं जिसे, कुतुब मीनार और मीनारेट, तो इसने देखा, देखिए कि वो काफी ऐसा करके है ना, यू करके, तो इसने क्या किया, इसका बेस तैयार किया। बेस कहने का मतलब ये जो है, इसने पहली मंजिल, जिसमें पहला वाला जो फ्लोर है, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तैयार किया, ठीक है। और बाद में इस पूरे को पूरा किसने करवाया, इसका जो दामाद था, सन इन लॉ इल्तुतमिश,
और इस दिल्ली सल्तनेट का स्लेव सल्तनेट का अगला रूलर, ठीक है। अब ये बेसिकली इतना अगला भी नहीं था, इससे पहले एक और रूलर आता था जो बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि इसका बेटा था, और एक हिस्टोरियन मानते हैं कि वो उसका क्या था, भाई था, ठीक है। तो उसका नाम था क्या, आराम शाह। आराम शाह मतलब ही वॉज नॉट डेट कैपेबल, यानी कि वो उतना लायक नहीं था, तो इसलिए इसने कुछ 5 या 6 महीने रूल किए। 1210 में आया है, कोई 5 से 6 महीने रूल किए, ना इसने कुछ इतना इम्पोर्टेंट कुछ काम किया, सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कुतुब मीनार बनाने के अलावा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुब मीनार बनाने के अलावा इसने क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने कंस्ट्रक्ट करा। तो कुछ और फैक्ट्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसने क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। और एक और दिल्ली पे इसने मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया, और साथ ही साथ जो हम इसका नाम बोल रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऐबक जो नाम था इसके मास्टर द्वारा दिया गया था इसे, ठीक है। ऐबक इसका मास्टर कौन था, मोहम्मद गौरी। ऐबक मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ मून, लॉर्ड ऑफ मून यानी कि चंद्रमा का देवता, ठीक है। और इसी को है, मतलब इस कुतुबुद्दीन ऐबक को इसके पीपल्स यानी कि इसके सब्जेक्ट्स उसको क्या कह के बुलाते थे, लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श, लाख बख्श कह करके बुलाते थे, जस्ट बिकॉज ये बहुत टॉलरेंट था पीपल्स के खिलाफ, ठीक है। और उनको जो है लाखों रुपयों का दान वगैरह कर देता था, इसलिए इसको बोलते थे इसके पीपल्स लाख बख्श। फिर जब 1210 AD में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दो चीज और करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, मैरिज अलाइंसेस करता है। ये अपनी बेटी की शादी अपनी एक इसका स्लेव होता है अल्तुतमिश, उससे कराता है, और खुद की शादी किससे करता है, जो इसका अदर कॉम्पिटिटर होता है ना, मोहम्मद गौरी का जो दूसरा वाला स्लेव होता है, या फिर हम जनरल बोल सकते हैं क्या होता है उसका, तो अल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी कराता है। तो जो इसका जो दूसरा राइवल होता है, जो दूसरा इसका कंटेम्प्रेरी होता है, वो क्या बोलते हैं, ताजुद्दीन यालदूज। तो ताजुद्दीन यालदूज की सिस्टर से ये खुद मैरी कर लेता है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आराम शाह। आराम शाह, ठीक है, जो कुछ महीने रूल करता है, राइट, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आराम शाह के बाद सीधा अपना अगला रूलर आता है इल्तुतमिश। तो हम सीधा इल्तुतमिश पे चलते हैं। इल्तुतमिश रूल करता है 1210 से लेके 1235 तक, ठीक है। और इल्तुतमिश भी काफी इम्पोर्टेंट रूलर है, और इसी को बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर इल्तुतमिश को ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इसकी जो कैपिटल होती है लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर देता है। अब लाहौर तो इंडिया पे नहीं है, बट दिल्ली जो है इंडिया पे है, सो इसलिए इसी को बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया, राइट। तो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर देता है अपनी कैपिटल। इसकी एक बेटी होती है रजिया, रजिया सुल्तान। अब सुल्तान क्या है, उसका नाम होता है रजिया, सुल्तान तो बाद में बनती है ना, तो रजिया सुल्तान, ठीक है, सुल्तान बाद में बनती है। क्यों बनती है सुल्तान, क्योंकि वो वहां का, उसको वहां का रूलर बना दिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सुल्तान, और उसका नाम होता है रजिया। और रजिया के भाई होता है एक, ठीक है, रजिया का भाई होता है, अब इस रजिया सुल्तान के दो भाई होते हैं, एक होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह और दूसरा होता है नासिरुद्दीन महमूद मोहम्मद। अब ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह होता है, काफी इनकैपेबल रूलर होता है, ठीक है, ये हमेशा मस्ती करता रहता है, ठीक है। और जो नासिरुद्दीन होता है वो थोड़ा क्या होता है, मतलब एक जिंदा लाश की तरह होता है वो, उसको कुछ शायद कोई बीमारी वगैरह होती है, सो इज नॉट एबल टू रूल इन द एम्पायर। तो अब इसकी जो मॉम होती है, किसकी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसका नाम क्या होता है, शाह तुर्कान, शाह तुर्कान। अब ये काफी जेलस होती है रजिया सुल्तान से, ठीक है, रजिया सुल्तान से काफी जेलस होती है। तो ये अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, जो कि इनकैपेबल होता है, बट रियल मतलब कोई इस पे ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती है ना, पे ना ही इस पे कोई ऐसे गुण होते हैं, ना ही इस पे कोई ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिससे एक राजा कहलाया जाए,
कुछ भी नहीं होता है, बेकार का रूलर होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, हमेशा ऐशो आराम वाली जिंदगी, शराब वगैरह पीता है, ठीक है, और भी बहुत बेकार रूलर होता है। सो जो बची कौन, नासिरुद्दीन तो ऐसे ही है, मतलब लावारिस टाइप का, मतलब जिंदा लाश की तरह होता है, और फिर बचा कौन, रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश के बाद अपना बेटी रजिया सुल्तान को बनाता है। रजिया सुल्तान के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश जैसे मैंने आपको बताया 1210 से 1235 तक रूल करता है, और ये क्या करता है कि ये करेंसी चलाता है दो, कॉपर और सिल्वर की, ठीक है। और जो ये सिल्वर करेंसी होती है उसे टंका बोला जाता है, ठीक है, सिल्वर की मेड होती है, और जो कॉपर की मेड होती है उसे बोलते हैं जीतल, ठीक है। तो ये दो हो गया, जीतल और तंका। जीतल जो है कॉपर की बनी होती है, तंका जो करेंसी होती है वो सिल्वर की बनी होती है। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग दिस करेंसीज, ये एक इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ 40 नॉबल्स यानी कि 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का दूसरा नाम क्या है, अल्तमश। अल्तमश नाम से फेमस होता है, ठीक है, हर कोई अल्तमश बोलता है इसको। तो 40 नोबल्स का ग्रुप बनाता है, और इनको इतनी पावर देता है जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते ना, तो वैसे ही कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, 40 नोबल्स। और हर एक चीज में क्या है, जो इल्तुतमिश होता है इनसे सलाह वगैरह लेता है हर एक चीज में, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, पॉलिटिकल से लेके, इकोनॉमिक से लेके, कुछ भी, अगर कोई भी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें इनकी हेल्प लेता है कौन, अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश। इनका 40 नोबलों का ग्रुप बनाता है, और इस ग्रुप को बोलते हैं चहलगमी, चहलगमी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब एक इम्पोर्टेंट बात इल्तुतमिश के बारे में, ये था स्लेव ऑफ स्लेव, इसको रिगार्ड किया जाता है स्लेव ऑफ, गुलामों का गुलाम था, क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन एक क्या था, गुलाम था, किसका, मोहम्मद गौरी का, और ये जो है इल्तुतमिश इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इसे रिगार्ड किया जाता है स्लेव ऑफ स्लेव नाम से, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, टॉम बिल्डिंग, ठीक, तो ये क्या करता है, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहलाया जाता है, और ये सुल्तानगिरी टॉम बनाता है। और 1229 AD में ये एक इंपॉर्टेंट काम क्या होता है इसके संग, कि जो खलीफाज होते थे ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो उनसे क्या होता है, ये वैधता मिलती थी इनको, रूलर्स को, कि तुम, यस यू आर द इम्पोर्टेंट परफेक्ट रूलर, तो लेगिटिमेसी मिल जाती है इसको, लेगिटिमेसी मिल जाती है, काहे की, लेगिटिमेसी ऑफ दिल्ली सल्तनेट, खलीफा से इसको लेगिटिमेसी मिल जाती है कि एक वैधानिक वैधानिक तरीके से क्या है, एक रूरल सुल्तान हो जाता है। और साथ में ये एक इम्पोर्टेंट काम क्या करते हैं, एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है, एकता सिस्टम। अब एकता सिस्टम क्या होता है, एकता सिस्टम ये होता है ये कि करेंसी यानी कि पैसों की जगह अपने जितने भी इसके नोबल्स होते हैं उनको ये क्या देता है, लैंड देता है, और उस लैंड में क्या करते हैं ये लोग, रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं, और जितना भी पैसा बच जाता है उस लैंड में क्या करते हैं, अपना जो भी है ऑक्यूपेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी, इनकी सर्विस के बदले में दिया जाता है, यानी कि लैंड इन टर्म्स ऑफ, इन प्लेस ऑफ मनी, यानी कि सैलरी की जगह इनको लैंड मिल जाता है, दैट इज एकता सिस्टम। और छोटे छोटे इसका जो पूरा प्रोविंसेस होता है, छोटे छोटे एकताज में बटा रहता है, जैसे मान लो ये पूरा लैंड है और ये छोटे छोटे एकता में बटा रहता है, और हर एक मिनिस्टर को एक एक एकता दे दिया जाता है, और उस एकता में क्या है, एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि उसका कुछ परसेंट अपने पास रखते हैं, और बाकी जो है किंगडम की ट्रेजरी में दे देते हैं, जिससे क्या होता है पूरा किंगडम इनका चलता है। अब देखो दो इंपॉर्टेंट बैटल तो मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, 1191 1192 पे किसके बीच में होती है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब जो थर्ड बैटल ऑफ तराइन है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन होती है 1215 यानी कि 1215 to 1216 में। अब ये किसके बीच में होती है, ये जो होती है, ये होती है इल्तुतमिश और तराइन
ताजुद्दीन यालदूज के बीच में। अब ताजुद्दीन यालदूज कौन? ताजुद्दीन यालदूज वही है जिसकी बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक शादी करता है, राइट। अब ये क्या होता है, कंटेम्प्रेरी होता है ना ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का कंटेम्प्रेरी होता है, उसके साथ वाला ही होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है अल्तुतमिश के लिए। तो अब अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो फिर अल्तुतमिश भी तो कुछ ना कुछ करेगा ही ना। तो ये थर्ड बैटल ऑफ तराइन करता है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब करता है, 1215 से 1216 में, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन एक बेसिकली क्या है, एक फील्ड है, ठीक है, वॉर फील्ड है, कहाँ पे, हरियाणा वाली एरिया पे, ओके। तो बेसिकली इस बैटल में होता क्या है, जो यालदूज होता है ना, ताजुद्दीन यालदूज, वो क्या करता है, लाहौर को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और लाहौर को ऑक्यूपाई करता है, और इसके बाद क्या करता है, ये इससे किससे, इल्तुतमिश से युद्ध करता है वहीं पे, तराइन के मैदान में युद्ध करता है, जिसमें क्या करता है, इल्तुतमिश इसको मार देता है, इसको किल कर देता है ताजुद्दीन यालदूज को। यानी कि अब जो मोहम्मद गौरी का तीन मेन गवर्नर थे, उनमें से एक गवर्नर की डेथ हो जाती है, वो कौन होता है, ताजुद्दीन यालदूज, जिसको कौन मारता है, इल्तुतमिश मारता है, किसमें मारता है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन में। अब देखने वाली बात यह है कि 1215 और 1216 के बीच में जो है ये तराइन का तीसरा युद्ध होता है इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यालदूज के बीच में। अब उसके बाद ऐसे ही ये क्या करता है, अब एक और उसका गवर्नर बच जाता है ना, कौन, नासिरुद्दीन कुबाचा, जो भी वो भी इसके लिए इल्तुतमिश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 1228 में क्या करता है, ये कुबाचा के अगेंस्ट एक जंग छेड़ देता है, ठीक है, और उसको कंपेल कर देता है सुसाइड करने के लिए। और उस हिसाब से क्या करता है, जो कुबाचा होता है नासिरुद्दीन कुबाचा, इसके खौफ के कारण जो है इंदस नदी, यानी कि जो सिंधु नदी है, इंदस रिवर, उसमें छलांग मार देता है और उसकी वहां पे डेथ हो जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी इसके कंटेम्प्रेरी, जितने भी इसके वो होते हैं ना, इसके अपोजिशन वाले होते हैं, इनकी सबकी मतलब ऐसी की तैसी हो जाती है, यानी कि अब कोई नहीं बचता, अब ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। और ये सब था, इंदस रिवर में छलांग मार देता है, कौन मारता है, नासिरुद्दीन कुबाचा। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज और होती है इसके उसमें क्या होता है कि चंगेज खान होता है, जो मंगोल इन्वेडर होता है, चंगेज खान काफी खतरनाक होता है। तो वो क्या करता है, एक बंदा आता है जलालुद्दीन मंगबरनी, ठीक है, जलालुद्दीन मंगबरनी, जो क्या करता है, चंगेज खान के भाई को मार देता है, ठीक है, चंगेज खान के भाई को मार देता है, और उसी के बदले में जो है चंगेज खान इसका पीछा करता है, और ये पीछा करते करते जो जलालुद्दीन मंगबरनी है, ये इल्तुतमिश के रीजन में घुस जाता है और इससे हेल्प मांगता है, बोलता है मुझे बचा लो चंगेज खान से। लेकिन इल्तुतमिश यहाँ पे साफ मना कर देता है, क्योंकि इल्तुतमिश को जो है, चंगेज खान को पता चल जाता है कि इल्तुतमिश के एरिया में जाके छुप गया। तो चंगेज खान क्या करता है, इल्तुतमिश को एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में बोलता है कि अगर तुम इसकी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारा एम्पायर तो खत्म कर ही दूंगा, साथ में तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तो इस डर से जो है इल्तुतमिश अपने एम्पायर को सेव कर लेता है, और ये इसकी बहुत समझदारी वाली बात होती है कि ये जलालुद्दीन मंगबरनी को कोई यहाँ पे सेफ नहीं करता है, कोई भी प्लेस नहीं देता है, और अपने एम्पायर को तबाह होने से बचा लेता है। अब क्योंकि मंगो तो गैस इस तरीके से जो इल्तुतमिश है वो चंगेज खान के इन्वेजन से अपने एम्पायर को बचा लेता है। और उसके बाद इल्तुतमिश एक इम्पॉर्टेंट काम क्या करता है कि 1231 AD पे जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, राइट, तो इस कुतुब मीनार का जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराता है, क्योंकि जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया होता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कौन कराता है, इल्तुतमिश कराता है, और इल्तुतमिश को हम अल्तमश नाम से भी जानते हैं गाइस, ठीक है, तो अल्तमश नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात पहले जो मैं बताना भूल गया था वो ये है कि स्लेव डायनेस्टी को हम मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं, मामलुक, और इलबरी डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है, इलबरी। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट बातें, और अभी से शुरू से लेके अभी तक जो मैंने बताया अल्तुतमिश तक, और अगली वीडियो में मैं रजिया सुल्तान से शुरू करूँगा। सो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आई विल मेक मोर फर्दर वीडियोज फॉर यू गाइज, ठीक है। सो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सो
चलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रजिया सुल्तान से, जिसने रूल किया था 1235 से लेकर 1236 से 1240 तक। ठीक है, रजिया सुल्तान यानी कि रजिया बेगम उसका नाम था, उसको सुल्तान बन गई थी, तो तब जाके उसका नाम पड़ गया रजिया सुल्तान। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद के रूलर्स भी उसी वीडियो में हम बात करेंगे, और उस वीडियो में जो हम ये स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट कर देंगे फिर। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू बहुत बहुत, और कहीं पे भी कुछ अगर समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।